जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी आईटीआई एडमिशन 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को घर बैठे बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। अगर आपने वीडियो को कहीं से स्किप किया तो ऐसे में आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाएंगे और फिर आपको काफ़ी वेट करना होगा दोबारा से इस फॉर्म का आने का। इसलिए आप कोई गलती मत कीजिए, इसलिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी जहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल ओबीसी के लिए 250 और SC ST के लिए 150 रुपये रखी गई है। आप ये फॉर्म 3 जुलाई 2023 तक भर पाएंगे। कौन से ट्रेड के लिए या फिर कह लीजिए कि कौन से प्रोग्राम के लिए, उसका जो ड्यूरेशन है आपका कितने ईयर का है और अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, इसमें 8वीं और 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आइए और आपको अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर भी आप जान सकते हैं कि आपकी इंपोर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, ये सभी जानकारी आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। अभी अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहां से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आता है एप्लीकेंट नेम इन इंग्लिश, आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इंग्लिश के अंदर एंटर करना है। पूरा नाम आप यहां पर लिख देंगे। इसके बाद आवेदक का नाम हिंदी में, तो जो भी आपका नाम है वो आपको हिंदी में यहां पर लिखना है। इसके बाद यहां पर आप आपका फादर नेम एंटर करेंगे इंग्लिश के अंदर, फिर आपको यहां पर आपके पिता का नाम हिंदी के अंदर लिखना है। देन गाइस सेम तरीके से आप अपनी माता जी का नाम इंग्लिश के अंदर लिखेंगे और आपकी माता का नाम हिंदी में यहां पर लिख देंगे। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, तो आप यहां पर आपकी DOB सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल OBC SC ST जो भी है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करने पर कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता, तो यहां पर जो भी आपकी कैटेगरी है बेसिकली वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इन सभी जानकारी को चेक करेंगे जो कि अभी आपने यहां पर भरी है, एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है, वो OTP आप यहां पर डालेंगे और डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब आपसे पूछेगा कि क्या आपको किस पर अप्लाई करना है, गवर्नमेंट आईटीआई के लिए या फिर प्राइवेट, या इसके अलावा राजकीय एवं निजी यानी कि दोनों के लिए, तो आप दोनों को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो अगर आपको दोनों पर अप्लाई करना है तो आप तीसरे वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, अगर आपको सिर्फ एक पर ही अप्लाई करना है तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद अब आप यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी यहां पर दी है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी, और कुछ जानकारी अभी आपको यहां पर भरनी है। इसके आपको यहां पर इसके बारे में बोला कि अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम व जन्मतिथि अपने हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहां पर आपके पति या फिर पत्नी का नाम एंटर करेंगे 4 पॉइंट में, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। जेंडर आपका क्या, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। DOB आपकी यहां पर दी गई है। इसके बाद है आपकी सब कैटेगरी, तो अगर आपकी इनमें से फिजिकल हैंडीकैप वार्ड्स और मिलिट्री पर्सन अगर है कोई इनमें से कैटेगरी तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप सिलेक्ट के ऊपर ही रहने देंगे। फिर डिसेबिलिटी में यहां पर आपसे पूछा है अगर आपकी कोई विकलांगता है इनमें से तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप सिलेक्ट के ऊपर ही रहने दे। माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर आप यहां पर माइनॉरिटी में आते हैं तो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, फिर आपका नंबर यहां पर दिया गया। इसके बाद में आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आपको 13 पॉइंट में एंटर करनी है, ये एंटर करनी अनिवार्य है। डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, तो आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके बताइए कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है या फिर किसी अन्य प्रदेश के, तो मैं यूपी से हूं, मैं यहां पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, होम डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर इनमें से सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद में गाइस यहां पर आती है आपकी होम तहसील, तो जो भी आपकी होम तहसील है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में होम ब्लॉक आपका कौन सा है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। अब आता है एड्रेस, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आप यहां पर इस वाले पॉइंट में लिखेंगे, और इसके बाद में जो आपकी स्टेट है वो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि जो भी आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर गाइज आपके सामने ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट का, तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां पर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। ये डालने के बाद में इस तरह पे आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहां पर सेम एज के ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस इस तरफ भर दीजिएगा। फिर गाइज अब आप यहां पर देखेंगे परमानेंट फोन नंबर, अब आपको आपका जो परमानेंट फोन नंबर है वो आपका एंटर करना है, और
और अगर आपका कोई अलग से कोरस्पोंडेंस प्रेजेंट एड्रेस का फ़ोन नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नीचे सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने स्टेप टू आ चुका है, यहाँ पर आपको जानकारी थोड़ा अच्छे से समझनी है। यहाँ पर है 19 पॉइंट क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपने क्या क्वालिफिकेशन की है। आपने सिंपली 8वीं किया तो आप 8वीं के ऊपर टिक कर देंगे, अगर आपने 10वीं किया तो आप 10वीं के ऊपर टिक करेंगे, अगर आपने 8वीं 10वीं दोनों की है। साथ ही यहाँ पर है 10वीं उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषय के साथ में, यानी कि जो आपकी 10वीं है वो आपने विज्ञान और गणित विषय के साथ में किया तो आप इसके ऊपर भी टिक कर देंगे। फिर आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है कि 10वीं उत्तीर्ण 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय के साथ तथा अलग अलग न्यूनतम 40% अंकों के साथ में, यानी कि जो आपकी 10वीं है वो 10+2 का जो सिस्टम होता है उसके अंतर्गत आपने पास किए। साथ ही जो आपके सब्जेक्ट थे 10वीं के अंदर उनमें आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% है, 40% अगर है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर भी टिक कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आपने आपकी 10वीं की है 10+2 व्यवस्था के अनुसार और आपके पास 10वीं के अंदर भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान एवं गणित विषय के साथ में आपने की थी तो आप यहाँ पर भी टिक कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आपकी जो आपकी 10वीं वो आपने की है, साथ ही आप यहाँ पर जो आपकी शारीरिक दक्षता ऊंचाई है यानी कि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, वजन 52 किलोग्राम से प्लस है, चेस्ट आपकी 81 है बिना फ्लाई और फुला करके 85 सेंटीमीटर है तथा MBBS योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विषय हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप इसके ऊपर भी टिक कर देंगे। इनमें से जो भी चीज़ आपके ऊपर लागू हो रही है उनके ऊपर टिक कर दीजिए, जो लागू नहीं है उनके ऊपर टिक मत कीजिएगा। अब यहाँ पर गाइज नीचे आइए, यहाँ पर आती है जूनियर हाई स्कूल यानी कि आपकी 8वीं, तो आपको यहाँ पर बोर्ड के अंदर बेसिकली आपके स्कूल का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी 8वीं की है, क्योंकि इसका कोई बोर्ड नहीं होता है, अगर आपका कोई बोर्ड है तो आप दे दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका कॉलेज स्कूल नेम, तो यहाँ पर भी आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम ही एंटर करना है। इसके बाद में रोल नंबर, तो जो भी आपका 8वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, किस साल के अंदर आपने आपकी 8वीं पास की थी वो आप यहाँ पर ईयर के अंदर आकर के सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपने 8वीं की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या थे, आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखेंगे जो भी आपके पास 8वीं के अंदर थे, तो सभी सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। एंड गाइज यहाँ पर आते हैं मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपको यहाँ पर डालने, जैसे कि मैं यहाँ डालता हूँ कितने आपको इन 800 में से नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड जो आपकी परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको 10वीं की जानकारी सेम वे में देनी है, तो आपका बोर्ड क्या था, यूपी बोर्ड, CBSE, SSC या फिर अदर, तो मेरा यूपी बोर्ड था, मैंने यूपी बोर्ड सेलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करना है, जो 10th का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, किस साल के अंदर आपने पास किया था वो साल सेलेक्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे उन सभी सब्जेक्ट के नाम एक एक करके आपको यहाँ पर लिखने हैं, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर ऑब्टेंड मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आता है 20 पॉइंट नेम ऑफ प्रीवियस ITI, पिछला ITI का नाम, अगर आपने ITI की है तो आप यहाँ पर प्रीवियस ITI का नाम दे सकते हैं। नेम ऑफ प्रीवियस ITI ट्रेड, तो आपने जो ITI किया है उसका प्रीवियस ट्रेड कौन सा था वो आप यहाँ पर देंगे, अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद है 21 पॉइंट वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें, राज्य स्तरीय खिलाड़ी अगर आपके पास है और आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप इसके ऊपर टिक करें, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे, किसी उद्योग में 2 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत है और उस उद्योग द्वारा प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु नामित तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए। अगर कोई चीज़ इसमें से आपके ऊपर लागू हो रही है तभी आप 21 पॉइंट में टिक कीजिए, उसके ऊपर नहीं तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करना है, फोटो का साइज आपका 50 अपलोड मैक्सिमम 50 KB से कम रहना चाहिए और जो सिग्नेचर है इसका साइज भी सेम ही रखा है, तो आप क्या करेंगे आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है और फिर यहाँ से ओपन कर लेनी है, तो आपकी फ़ाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर भी साइन है आपका उस सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए, तो आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। अब गाइज आपको सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में, और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है, तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300+ क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा, सभी
सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है। आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 3 आ चुका है। स्टेप 3 में आप यहाँ पर 23 पॉइंट देखेंगे। आवेदित कोर्स ग्रुप चयन करें। ग्रुप का चयन अनिवार्य है, ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी। तो अगर आप चाहे तो आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए, पढ़ लीजिएगा। जैसे कि विकास खंड के स्तर का चयन करने से विकास खंड का आरक्षण मान्य होगा। तहसील स्तर का चयन करने से तहसील स्तर का जो आरक्षण है वो मान्य होगा। तो आपको पॉइंट्स दिए गए। 24 पॉइंट है कि स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प चयन करें। स्थानीय आरक्षण का चयन अनिवार्य है, एक से अधिक स्थानीय आरक्षण का चयन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर गृह विकास खंड, तहसील या फिर जनपद या फिर गृह प्रदेश, तो जो भी है वो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। और स्थानीय आरक्षण का चयन अनिवार्य, यानी कि आपको एक जो है वो सिलेक्ट करना ही होगा कम से कम, और ज़्यादा करना चाहिए इसके अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट किया। ये सिलेक्ट करने के बाद में जैसे कि हमने यहाँ पर गृह प्रदेश को सिलेक्ट किया, तो गृह प्रदेश के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट्स है वो यहाँ पर आपकी सामने आ चुकी है। तो जिसको आपको प्रेफरेंस देनी है अब आपको उसके ऊपर टिक करना है। तो मैंने गृह प्रदेश किया, पहले नंबर पर सहारनपुर है, मैं तो उसको टिक कर लेता हूँ। फिर चुने के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपकी यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके इस तरह से उसको प्रेफरेंस दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले इसको प्रेफरेंस दिया, फिर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन इसको इसके ऊपर टिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि ओईओ यहाँ पर आ चुकी है चयनित व्यवसाय सूची के अंदर। अब अगर आपको किसी दूसरी जगह को भी देना है, जैसे कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर है, तो मैं चलिए इसके ऊपर भी टिक कर देता हूँ। इसके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर चुने के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर वो इस तरफ आ जाएगी। फिर आप इसके ऊपर टिक करके इसको यहाँ पर जो आपने सूची सिलेक्ट की है उसके अंदर ये जानकारी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर में मैं मुझे इस वाली जो इंस्टीट्यूट है इसको प्रेफरेंस देनी है, मैं इसके ऊपर टिक करता हूँ। फिर चुने के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो आ जाएगी। आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए, इसके ऊपर टिक करने के बाद में वो यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंस देनी है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जहाँ जहाँ भी जिस इंस्टीट्यूट को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके लिए। अब गाइज आप यहाँ पर नीचे आइए और नीचे आने के बाद में आपका यहाँ पर जो ग्रुप बी है, अभी आपने जो प्रेफरेंस दी है आपको, आपने ग्रुप ए के लिए दी, यहाँ पर एक ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में आपको किसे क्या प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए पहली प्रेफरेंस मैं इसको देता हूँ, फिर चुने के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसमें जो सभी ट्रेड अवेलेबल है वो ट्रेड में से आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर वो आ जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरी किसी इंस्टीट्यूट सिटी के अंदर किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, यानी कि किसको सेलेक्ट कर रहे हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं गवर्नमेंट आईटीआई इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर चुने के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर वो आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके जो इसके ट्रेड है वो आप यहाँ से देख सकते हैं और वो यहाँ पर बेसिकली आपकी प्रेफरेंस के रूप में ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से ऐड करने के बाद में आप नीचे आएंगे और अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं आपके फॉर्म का आप जो प्रीव्यू है वो आपके सामने, आपने जितनी भी जानकारी भरी है यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको सही भी कर सकते हैं प्रीवियस के ऊपर क्लिक करके बैक में जा करके, नहीं तो आप यहाँ पर मैं सहमत हूँ के ऊपर टिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देन गाइज आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कीजिए एंड अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से जिस भी माध्यम से जमा करना चाहिए कर सकते हैं। आपको काफी सारे विकल्प यहाँ पर फीस को जमा करने के मिलेंगे। अभी गाइज यहाँ पर लोडिंग हो रही है क्योंकि वेबसाइट अभी अभी शुरू हुई है फॉर्म भरने के लिए, तो ऐसे में ये थोड़ा सर्वर का इशू हो सकता है। बट यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस जैसे ही जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इसके अलावा आप आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए इस वाले टैब को ओपन करके वो भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र को प्रिंट करने के लिए आप इस वाले टैब का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और जो आपकी DOB है वो भरिएगा और फिर आप यहाँ से आपका जो फॉर्म का स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे, फॉर्म को प्रिंट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग UPITI एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।